सी एस पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी की बात करेंगे। आप कक्षा छठी में इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बच्चों, कक्षा छठी में आज का जो विषय है इतिहास, यानी आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास सीखने वाले। सोचो, क्या आप जानते हैं यस, इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है और इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। तो बच्चों, आज हम इतिहास की बात करने वाले हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री। बच्चों, इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये चार घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। तो आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। बच्चों, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। ये अगर हम देख सकते बच्चों, अगर प्राचीन काल के सिक्कों की बात करें, भले ही इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों अगर संग्रह की बात करें तो संग्रह में हैं। ये इस तरह की बात करें, अगर बच्चों अगर जो आप खंडहर की बात करें या अवशेषों की बात करो, आप देख सकते हैं तमाम जो वास्तु की बात करें, वास्तुओं की बात करें, जिनके जो अवशेषों की बात करें, ये उन्हें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, उनके द्वारा अगर जो उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं, इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। तो बच्चों, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उनके द्वारा चाहे विभिन्न लेखों की बात करें, शिलालेखों की बात करें, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बच्चों, इसके अतिरिक्त रीत रिवाज, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को हम इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के साधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें, तो बच्चों इनका वर्गीकरण किया जाता है भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज में, दूसरा है लिखित साधन यानी रिटेन सोर्सेज में, और तीसरा है मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज में। तो बच्चों, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज को, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज को देखने वाले हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पूर्वकालीन मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। ये जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विभिन्न काल में इस्तेमाल किए जाने वाले, अगर प्राचीन सिक्कों की बात करें या बच्चों किलों की बात करें, गढ़ों की बात करें, या विभिन्न वास्तुओं की बात करें, ये उनके खंडहरों की बात करें, जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है, बच्चों ये सब भौतिक साधन में शामिल हैं कि आखिर में ये कब यानी किस कालखंड के हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और ये कौन करता है? इतिहास। तो हम भौतिक साधनों की बात कर रहे हैं, जैसे प्राचीन वस्तुओं में कपड़े के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बच्चों हम भौतिक साधनों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ जैसे
गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों की बात करें, जो कि प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न प्रकार के बर्तनों की बात करें, जिनका उपयोग प्राचीन काल में, अगर मिट्टी के बर्तनों की बात करें, इनका उपयोग किया जाता था। तो बच्चों, गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती थी कि समाज किस तरह से चलता था। इनकी विविध प्रकार की जानकारियां इसके द्वारा भी उपलब्ध हो पाती। बच्चों, हम भौतिक साधन की बात कर रहे हैं, मटेरियल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। बच्चों, जैसे अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी मिलती है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम समझ सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के अनाजों की बात करें, फलों के बीज की बात करें, या प्राणियों के हड्डियों की आधार पर विभिन्न प्रकार के उसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती रहती है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के जो खंडहर पाए जाते हैं, उसके द्वारा भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम भौतिक साधन की बात कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती हैं। इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। जैसे हमने सिक्कों की बात की, मुद्राओं की बात की, इसके साथ ही इनसे इनकी जो इनके सहायता से जो मानवीय व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होती है, इनकी हमने बात की। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहा जाता है। बच्चों, भौतिक साधनों की बात करें, अगर मटेरियल सोर्सेज की बात करें, तो आइए जैसे गढ़ों या किलों की बात करें, तो स्क्रीन पर आप सचित्र देख सकते हैं। यस, स्मारकों की बात करें, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो आप अगर संग्रहालय की बात करें, जो कि सीएसटी में है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्मारक के रूप में। विभिन्न प्रकार के भवनों की बात करें, ये उम्मेद पैलेस देख पा रहे हैं, जो कि बच्चों राजस्थान में बहुत चर्चित है, उम्मेद पैलेस, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गुफाओं की बात करें, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा लेख की बात करें, शिलालेख की बात करें, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अशोक के शिलालेख स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की बात करें, जो प्राचीन काल के या नवीन सिक्कों की बात करें। इसके बाद बात करें हम ताम्रपट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये भौतिक साधनों में शामिल किए जाते हैं। चाहे गढ़ों की बात करें, किलों की बात करें, स्मारकों की बात करें, विभिन्न प्रकार के भवनों की बात करें, गुफाओं की बात करें, शिलालेख, सिक्के या ताम्रपट, बच्चों ये भौतिक साधन है, यानी मटेरियल सोर्सेज, इन्हें भौतिक साधन कहा जाता है। बच्चों, उल्लेखित वस्तुओं और भवनों तथा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। जैसे हम बात करें कि वस्तुओं और भवनों तथा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। तो बच्चों, हमने इतिहास के साधन के बारे में सीखा है हमने, तो आइए बच्चों हम यहाँ अभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिखाई देगा, आपको पहचानना है ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके फिर से लिखना है। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन आएगा, देखिए। पहला कथन है, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा, तो चलिए आप अपना उत्तर मिलाइए। तो देखिए, कथन सत्य है या सत्य? यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बच्चों, हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरा कथन देखेंगे।
तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो कथन क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी, ये चाहे रीति रिवाजों की बात करें, परंपराओं की बात करें, लोक कलाओं की बात करें, लोक साहित्य की बात करें, ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात करें, तो इसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इस तरह से हमने इसकी चर्चा की थी, तो आपको याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कथन और देखते हैं। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो कथन को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों गहनों की बात करें, आभूषणों की बात करें, यस, तो गहनों और आभूषणों की चर्चा हमने की थी। तो यहाँ पर कथन में लिखा हुआ है कि गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों गहनों आभूषणों को इतिहास के भौतिक साधन में सम्मिलित किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए स्क्रीन पर एक और कथन देखिए ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन आने वाला है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो देखिए कथन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए, परंतु उनके खंडहर आज उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान से सुनिए एक बार फिर से कथन। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए, परंतु उनके खंडहर आज उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि विभिन्न कालखंडों में मनुष्य ने मकान और इमारत बनाए, परंतु उनके खंडहर, यानी जो खंडहर का मतलब टूटे फूटे अवशेष, आज उपलब्ध नहीं है। कथन में ऐसा कहा जा रहा है। तो बच्चों आपको इशारा मिल गया होगा, आपने समझ भी लिया होगा। यस, तो ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके कैसे लिखेंगे, देखिए। तो सत्य करके लिखना है, विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं। यस, विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से बच्चों कथन को, आपको अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। तो विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा मकान या इमारत बनाए गए और उनके खंडहर आज भी उपलब्ध हैं। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। Thank you very much.